हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया रियल ब्लॉग। तो मैं हूँ प्रिया। कैसे हैं आप सब? आई होप रियली कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इस गेटअप में कैसे हूँ, तो मैं बताऊँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम अपने चैनल पे बना रही हूँ मेकअप वीडियो, यानी कि मेकअप लुक मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने चैनल पर क्रिएट किया है। और मैंने ये किया है बहुत ही कम प्रोडक्ट से एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैंने लुक क्रिएट। आप चाहें तो ये लुक रक्षाबंधन में भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप ये लुक सावन में भी क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा एंड आप लोग अगर विग्नर हैं तो इस लुक को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बहुत ही इजीली किया एंड मैं बहुत डरी हुई थी, मतलब पहली बार मैंने अपने चैनल पे मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा ये लुक आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगे। और मैंने वेयर किया है इयररिंग और इससे मैचिंग का है, तो मैंने इसके लिए वो पहना है एंड मैंने चूड़ी पहना है ग्रीन। तो आप लोग सावन में भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। आई जस्ट होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे। जो भी कमी हो, आप सजेशन हो, जो भी हो, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं एंड मुझे बता सकते हैं कि मेरे मेकअप में क्या कमी रह गई थी एंड मैंने कितना अच्छा किया। आप ज़रूर एक लाइक के साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मतलब कि कैसा रहा मेरा ये मेकअप का फर्स्ट वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बोर नहीं करते हैं आपको, वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड दिखाते हैं कैसे किया मैंने मेकअप। सो गाइस, सबसे पहले मैंने लिया एप्पल का मॉइस्चराइजर जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही इजीली मिल जाता है, कहीं भी 10 रुपीज़ में आता है, मुझे बहुत सूट करता है। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं कोई बड़ा मॉइस्चराइजर नहीं लेती, मैं छोटा मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ एंड रोज़ में मैं मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, मैं क्रीम रोज़ नहीं यूज़ करती हूँ। आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो देखे होंगे, मैं बस मॉइस्चराइजर ही यूज़ करती हूँ। तो ऐसे मैंने पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया था क्योंकि मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे फेस के रुखापन को पहले दूर करता है। नेट के बाद मैं लगा रही थी हुडा ब्यूटी का प्राइमर, जो कि प्राइमर इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे फेस पे जो मेकअप होता है उसको सेट रखता है। तो मेकअप को सेट रखने के लिए पहले मैं प्राइमर लगाऊँगी। जैसे मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी, टैप टैप करके अच्छे से मिला लूँगी और फेस पे लगा के थोड़ा सा मिक्स करूँगी एंड इसको सेट होने दूँगी, थोड़ी देर छोड़ दूँगी। एंड इसके बाद मैं कोई फाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ, कोई कंसीलर नहीं लगा रही हूँ, मैं इसके बाद लगा रही हूँ बीबी क्रीम, जो कि मैं रेगुलर तो यूज़ नहीं करती हूँ लेकिन हाँ कहीं जाना होता है तो मैं यूज़ करती हूँ, डेली वे पे मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने इतना ले लिया था 2 पिंच जैसे और इसको मैं टैप टैप करके पूरे डॉट करके मैं अपने फेस पे लगा लूँगी अच्छे से। मैंने एक लेयर लगाया, आप चाहें तो 2 लेयर लगा सकते हैं बट मैंने एक ही लेयर लगाया अभी। और इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं अच्छे से मिला लूँगी टैप करके। तो आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर ना हो फिर भी आप हाथों से ईजिली मिला सकते हैं, ये बहुत ही पिगमेंटेड है, क्रीम जो है बहुत ही पिगमेंटेड है और बहुत ही अच्छे से मिल जाता है। तो आपके पास अगर ब्यूटी ब्लेंडर ना हो तो आप अच्छे से मिला सकते हैं हाथों से ही। एंड मैंने नेक पे एंड फेस पे अच्छे से मिला लिया है, आप चाहें तो 2 लेयर कर सकते हैं बट मैंने एक ही लेयर किया है और मुझे अच्छा लगा एक ही लेयर में, तो मैंने 2 लेयर नहीं किया इस क्रीम का क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है, तो मैंने इसलिए एक ही लेयर किया है एंड मैंने पहले पूरे फेस पे मिला लिया। इसके बाद मैं एक कॉम्पैक्ट पैक की हेल्प से पहले इस सारे वेस को सेट कर लूँगी और सेट करने के बाद ही कुछ करूँगी क्योंकि फेस को सेट करना कॉम्पैक्ट बहुत ज़रूरी होता है फेस पे मेकअप को सेट करने के लिए। तो मैं सारे फेस पे पूरे लगा लूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँगी आईब्रो किट, जो आईब्रो को फिल करूँगी। और पहले मैं बता दूँ कि मेरी आईब्रो बनी नहीं थी तो थोड़ा शेप देना ज़रूरी था, क्योंकि मेरी आईब्रो बनी होती तो मैं नहीं देती, मेरा ऑलरेडी है आईब्रो तो मैं बना नहीं था तो मैंने शेप दिया एंड इसको अच्छे से फिल करूँगी। और आप चाहें तो इसका हल्का कलर भी ले सकते हैं, 2 कलर इसमें आते हैं, एक डार्क आता है, एक जेल लाइनर और आईब्रो जो होता है वो सेट करने के लिए एक ही में आता है। तो मैंने इसको अमेज़ॉन से परचेज़ किया था एंड यहाँ मैं एक ब्रश की हेल्प से, आईब्रो फिल ब्रश की हेल्प से अच्छे से फिल कर लूँगी ताकि पता ना चले कि हमने आईब्रो
कलर लगाया हुआ है। इसके बाद मैं लूँगी कंसीलर और मैं आईब्रो को अपने सेट करूँगी। और मैंने पहले बताया था कि मेरा आईब्रो बना नहीं है तो इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आईब्रो को सेट करने के लिए एंड अपने आई वेस को बनाने के लिए मैं लूँगी कंसीलर। और आप देख सकते हैं मैंने ऐसे लगा लिया है। इसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ले ली हूँ ब्यूटी ब्लेंडर लेके, और मैंने इसको अच्छे से मिला दिया। एंड इसके बाद फिर से कॉम्पैक्ट लेके हम कंसीलर को सेट कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे आई मेकअप। तो आई मेकअप मैंने बहुत ही इजी किया है। मेरे पास था एक हल्का ऑयली कलर का पिंक, ऑयली था हल्का पिंक था लिपस्टिक, जिसको मैंने क्रीज लाइन पे लगाया है। आप क्रीज लाइन पे बस इसको लगाना है आपको। एंड आपके पास कोई भी लिपस्टिक हो, अगर ऑयल वेस्ट हो, थोड़ा सा ऑयली हो तो आप ले सकते हैं, एंड बहुत ऑयली हो तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मेरा लुक जब आएगा आई का तो आप देखिएगा बहुत ही अच्छा आया है। तो मैंने इसको हल्के हाथों से एक फ्लफी ब्रश से अच्छे से मिला लिया है। और इसको अच्छे से मिलाने के बाद जब तक हम ब्लेंड नहीं करेंगे आई के मेकअप को, तब तक हमारा मेकअप अच्छा नहीं दिखता है, बहुत ही क्रीज लाइन पे हार्स एजेस दिखते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अच्छे से मिला लूँगी एंड मैं इसको इसके बाद एक फ्लैट ब्रश से लूँगी हाइलाइटर, जो कि गोल्डन सिमरी कलर का है। गोल्डन है, डार्क गोल्डन नहीं है लेकिन हाँ गोल्डन है। और इसको फ्लैट ब्रश से आई लिड पर लगाऊँगी, आई लिड पर अच्छे से लगा के मैं इसको सेट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरा आई मेकअप जो है वो डन हो गया है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो मैंने बहुत ही हल्का किया है क्योंकि ये रक्षाबंधन सावन पे है और इस समय गर्मियों में हम हल्का मेकअप ही कर सकते हैं। बहुत हाई मेकअप करने से हमारा फेस जो है बहुत हैवी दिखता है एंड गर्मी के टाइम में हल्का मेकअप ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ लगा ले रही हूँ आई मेकअप कम्प्लीट करने के लिए आईलाइनर, जो कि मैं हल्का विंग आईलाइनर बनाऊँगी। मैं बहुत हैवी विंग नहीं बनाऊँगी, बहुत हल्का सा मैंने बनाया आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने बना लिया है एंड यहाँ आँखों के नीचे मैं जो आईब्रो फिल की थी उसी पाउडर से, आईब्रो फिल वाले किट से, मैं यहाँ नीचे एक लाइन दूंगी, हल्का लाइन दूंगी काजल के शेप का एंड दोनों आंखों पे मैं ऐसे करके लाइन दूंगी। देख सकते हैं आप हल्की लाइन आ रही है, बहुत हल्का कलर है क्योंकि आईब्रो फिल वाला है। तो इसके लिए मैं इससे हल्की लाइन दूंगी। मुझे लोअर लैश पे काजल जो नीचे लगाया जाता है वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए मैं बहुत हल्का सा इफ़ेक्ट दे रही हूँ अपने आई में। तो यहाँ मैं दोनों को अच्छे से लगा लूँगी एंड इसको स्मच करूँगी एक छोटे से ब्रश से। तो मैं जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ इस ब्रश से ही मैं स्मच कर लूँगी एंड आप देख सकते हैं मैंने बहुत हल्का सा लगाया है। एंड इसके बाद मैं इसको स्मच करूँगी अच्छे से, क्योंकि अगर हम ऊपर लाइनर लगाए हैं और नीचे नहीं लगाते हैं तो हमारी आंखें जो हैं बहुत मतलब एक होता है ना कि बहुत ही क्या दिखती है, बहुत ही सूना सूना सा लगता है, सॉरी भूल जाता है मुझे, बहुत सूना सूना सा लगता है। एंड मैं एक दूसरे ब्रश से इसको अच्छे से स्मच कर लूँगी, क्योंकि जब तक हमारे आई मेकअप में ब्लेंडिंग नहीं होता है हमारा आई मेकअप कंप्लीट नहीं होता है एंड बहुत हार्श एजेस दिखते हैं। इसके लिए मैं अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी और इसके बाद मैं इसमें लगा लूँगी, आई में लगा लूँगी काजल। तो मैं अभी काजल लगा लूँगी, आप देख सकते हैं थोड़ा सा इफ़ेक्ट दिख रहा होगा ब्लैक का। एंड मैं इसके बाद काजल लगा ली और काजल लगाने के बाद आप देख सकते हैं आई कितना अच्छा दिख रहा है। तो काजल लगाने के बाद मैं पहले जो फॉल्स हुए थे उनको अच्छे से हटा लूँगी अपने फेस से एक ब्रश से। तो अच्छे से मैंने हटा लिया है और मैंने फेस को कर लिया है अच्छे से सेटअप। तो इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ ब्लश, जो कि मैंने डार्क पिंक लिया है, मैंने एक टैप में लिया है एंड इसके बाद मैं जो इसके एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं उसको टैप करके निकाल दूंगी ब्रश से। और मैंने बहुत हल्का ही लगाया है, बहुत हल्का नहीं है फिर भी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इसको अच्छे से ब्लेंड करना होगा। आप देख सकते हैं पहले मैं दोनों चिक्स पे लगा के एंड इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी एंड मैं स्माइल करके लगा रही हूँ ताकि पता चले कि हाँ चिक्स पे जहाँ लगाना होता है परफेक्टली लग रहा है कि नहीं। और इसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी।
इसके बाद मेरा मेकअप हो जाता है कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं इसके बाद मैंने लगाया है हाइलाइटर एंड लिपस्टिक, रेड लगाया मैंने। आप कोई सा भी कलर लगा सकते हैं एंड मेरा लुक देख सकते हैं आप लोग कितना गॉर्जियस दिख रहा है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये लुक मैंने बहुत ईजी कंप्लीट किया एंड मैंने काले कलर की बिंदी लगाई है, तो आप कोई और भी बिंदी लगा सकते हैं। सो गाइज आपने वीडियो देख लिया, अगर वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी हो ना, इतना सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है कि मैं ऐसे ही आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा एंड भर भर के प्यार दीजिए ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बना पाऊँ। तो अभी लाइट का येलो कलर आ रहा है, तो लाइट मेरे वहाँ थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और मैं बहुत मतलब एक्साइटेड थी इस लुक को क्रिएट करने के लिए, तो मैंने ये किया एंड आप लोग को भी अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।